बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के द्वारा नालंदा जिला जनता दल यूनाइटेड किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में अनूप पटेल को जिम्मेवारी दी गई। नव मनोनीत नेता ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हम पर भरोसा कर जो जिम्मेवारी दी गई है उसका बखूबी पालन करेंगे। संगठन को मजबूत बनाना हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। इसके लिए है हम अपने सर्वमान्य नेता देश के लोकप्रिय एवं जनप्रिय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री श्रवण कुमार, राष्ट्रीय महासचिव ई सुनील कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन, प्रकोष्ठ के महिला जदयू के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता विश्वास, किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार, सांसद कौशल कुमार, विधान परिषद रीना यादव, सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद के प्रति आभार प्रकट करता हूं एवं धन्यवाद देते हैं। हमारी पार्टी में कर्मठ कार्यकर्ताओं को हमेशा सम्मान मिलता रहता है। काम करने वाले को विशेष महत्व पार्टी में दी जाती है। इस अवसर पर बधाई देने वालों में वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रसाद, प्रदेश सचिव रामचंद्र चौहान, महमूद बक्खो, जिलाध्यक्ष मो अरशद गुलरेज अंसारी, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय कुमार देव, कोषाध्यक्ष रंजीत कुमार, अजय चंद्रवंशी, जनार्दन पंडित, नवीन मांझी, सोनू रविदास, संजय कुशवाहा, अरविंद पटेल, जयराम सिंह, मुकेश सिंह, सोनी लाल, सन्नी पटेल, बबलू पटेल, सचिन कुमार, रजनीश कुमार मुन्ना, रविकांत कुमार, संजय कांत सिन्हा, इमरान रिजवी, पप्पू खान, रोहिला, उपेंद्र दिलवाला, राकेश पटेल, जयराम सिंह, सुजीत शेखर सहित कई कार्यकर्ताओं ने नव मनोनीत अध्यक्ष को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वर्तमान में प्रदेश नेतृत्व द्वारा मुझे नालंदा जिला का किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है और आज मैं कार्यालय में अपने अध्यक्ष महोदय के समक्ष योगदान भी कर लिया। किस तरह से पार्टी को मजबूत करेंगे? देखिए, अभी जो है हम तो किसान प्रकोष्ठ के बने हैं और हमारे सामने नालंदा के किसानों का समस्या प्राथमिकता में है। हुआ क्या है, भारत की मंशा जो है गलत दिशा में जा रही है। इस सेंस में कि भारत का पहचान है कृषि से, है ना, इसका व्यवसाय है मेनली, मैंने इसका व्याख्या है इंडिया इज मेनली एग्रीकल्चर कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि की प्रधानता है ना, किसान की गरिमा, ये इसको स्थापित करना हमारा पहला प्रायोरिटी। किसानों को एकजुट करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आप? सबसे पहले अभी तो हम पहले संगठन का विस्तार करेंगे सभी प्रखंड में और पंचायत स्तर पर जो हमारा संगठन बनना है उसके लिए हम लोग रात दिन करके लोगों को संगठन को बनाएंगे। उसके बाद जो है जिला में किसानों के कार्यक्रम का जो है एक बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे और जिसकी जानकारी आप सभी को हम लोग दे करके उसके बाद किसान के कार्यक्रम चलेंगे। इसके लिए जो बनाया गया है बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री मैंने बधाई के पात्र हैं और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पर जो है कृपा की है कि जिला का प्रभार उन्होंने दिया है और चुनौती के रूप में हम स्वीकार करते हैं कि उनके उम्मीदों पर हम खड़ा होते हैं। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह हमारा नाम हुआ। अनूप कुमार सिंह जी को प्रदेश द्वारा किसान प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। मजबूत सिपाही हैं, जिला के पुराने साथी हैं हमारे, इनको अनुभव भी बहुत है और ये निश्चित रूप से किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके लिए मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। मजबूत साथी हैं हमारे, निश्चित रूप से इस अपने संगठन को मजबूत करने का काम।